नमस्कार दोस्तों, मैं बैजनाथ सोनी आप सभी का आपका YouTube चैनल JSSC मेकर में स्वागत करते हैं। आज कुछ खास होने वाला है, कुछ खास ये कि आज लेकर आए हैं 2016 JSSC CGL का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का ये पहला सवाल है, खांसी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? इसमें चार ऑप्शन है, ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी असम, डी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मेघालय। और हम लोग को राज्य का राजधानी ये सब को याद कर लेना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग भी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेंगे। त्रिपुरा, तो इसका हो जाता है त्रिपुरा का राजधानी अगरतला और राजभाषा है इसका बंगाली। असम का हो जाता है राजधानी दिसपुर, राजभाषा है असमिया। मणिपुर का हो जाता है राजधानी इम्फाल, राजभाषा हो जाता है मणिपुरी। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नील्स बोर। तीसरा नंबर, सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कोस्टा रिका। चार नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेटर को मिरबोन क्रिकेट क्लब MCC की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सौरभ गांगुली। पांचवा नंबर में आते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीने तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? इसका ए है डोगरी, बी है उर्दू, सी बोंडो, डी ओडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बोंडो। छह नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित विद्या और विज्ञान शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? इसका ऑप्शन ए है दर्शन जैन, बी अमित सिन्हा, सी राशि मेहरोत्रा, डी राजीव सिंघल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दर्शन जैन। सात नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर ए है चार्ल्स डार्विन। इस तरह से सात क्वेश्चन समाप्त हुआ। आठवां हम लोग आते हैं, आठवां नंबर है, महेंद्र सिंह धोनी IPL 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका सही उत्तर है सी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। आगे है क्वेश्चन में, द गर्ल्स ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटेंट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? इसका सही उत्तर है डी जेनिफर न्यूवेन। निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? इसमें चार ऑप्शन है, ए सिंधी, बी गुजराती, सी मराठी, डी तमिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सिंधी। 11 नंबर में अब हम लोग आते हैं, 11 नंबर है, बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सारायेवो। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ ही था। अब आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर, नेशनल हेराल्ड मामले में अर्जीदार निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है सी सुब्रमण्यन स्वामी। 13 नंबर, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स
मेन पुस्तक भारत के निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका ए ऑप्शन है निकिता सिंह, बी जनार्दन ठाकुर, सी नीरद, सी चौधरी, डी सुष्मिता दास गुप्ता। तो सही उत्तर है बी जनार्दन ठाकुर। 14 नंबर है भविष्य के खाद्य संकट के लिए वैकल्पिक समाधानों और ब्लू क्रांति के अग्रदूत हेतु निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सनहक शांति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर मोदडुगु विजय गुप्ता। 15 नंबर में हम लोग आते हैं। 15 नंबर है मैक्स वर्स्टैपन निम्नलिखित में से किस पेशेवर खेल में जो वह खेलते हैं 2015 ओवरटेक सूची में टॉप किए? इसका ए ऑप्शन है 20 किलोमीटर, सी है सॉरी ए ऑप्शन है 20 किलोमीटर वॉक, सी है साइकिलिंग, बी है साइकिलिंग, सी है तैराकी, डी है फार्मूला वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी फार्मूला वन। 16 नंबर है निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है डी मदर ट्रेसा। ये सब क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं ये करंट अफेयर से है, तो करंट अफेयर से 3 से 4 प्रश्न आ चुका है, तो हम लोग को तैयारी भी चाहिए जैसा आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो उसी प्रकार आधार उसी को मानकर अपना तैयारी करें। और ऐसे भी ये जो एग्जाम होने वाला है बहुत ही टफ होगा, क्योंकि सीट तो मात्र है 1500 के लगभग और जो फॉर्म भरा गया है वो है 2 लाख प्लस, तो एग्जाम काफी टफ होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर, ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? तो इसका सी है सही उत्तर अनुवांशिक लक्षणों की विरासत के नियम। 18 नंबर में पोलैंड की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारसा, और पोलैंड की जो राजभाषा है वो है पेलिस, मुद्रा है इसका ज्वलांटी। अब हम लोग 19 नंबर में आते हैं, रोबन सी 2015 इंडियन सुपर लीग में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेले थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दिल्ली डायनमोज एफसी। 20 नंबर है पुस्तक द एसेंशियल गांधी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी महात्मा गांधी। और ये पुस्तक था 2 भागों में बटा हुआ, पहला भाग फर्स्ट जो है द मैन, सेकेंड है द महात्मा, और ये महात्मा गांधी की जीवनी पर ये पुस्तक है। इसमें बताया गया है कि ये महात्मा किस तरह कैसे बने थे। 21 नंबर है चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ के ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगाया था? तो ये इसका ऑप्शन ए है कानपुर, बी है आजमगढ़, सी है जौनपुर, डी है गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर है डी गोरखपुर। और इस घटना पर महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, वापस ले लिए थे, और उसके बाद ही जो हम लोग का देश का फ्रीडम फाइटर है 2 भागों में विभक्त हो गए थे, नरम दल और गरम दल में। 22 नंबर है झारखंड को ध्रोंका निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ए कागज, दू बी में जो है लकड़ी, सी है धातु, डी पुष्प। तो सही उत्तर हो जाएगा सी धातु। 23 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी?
इसका सही उत्तर है सी, साइमन आयोग। 24 नंबर है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी ओडिशा, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा सी। 25 नंबर है, 1 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही उत्तर है बी 24। 26 नंबर है, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी गृह मंत्री, डी भारत के उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सॉरी सही उत्तर है इसका ए प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका प्रथम उपाध्यक्ष थे अर्थशास्त्री अरविंद पंगडिया। और नीति आयोग को पहले हम लोग जानते थे योजना आयोग के नाम से। अब है 27 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा क्या है? इसका ए है 250, बी है 320, सी है 450, डी है 500। सही उत्तर हो जाएगा डी 500। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व के अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? इसका ए है धनबाद, बी है बोकारो, सी गढ़वा, डी हजारीबाग। तो सही उत्तर हो जाएगा डी हजारीबाग। इस ऑप्शन के अनुसार तो डी हो जाएगा हजारीबाग, लेकिन ऐसे देखा जाए तो होता है कोडरमा। यदि कोडरमा रहता तो हम लोग कोडरमा में ही टिक लगाते। 29 है, प्रायद्वीप पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था? इसका सही उत्तर है सी गोंडवाना भूमि। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण के कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? तो इसका ऑप्शन है ए खेरवार आंदोलन, बी उलगुलान, सी तमार विद्रोह, डी ताना भगत आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ताना भगत आंदोलन। और ये जो बाकी उसके विषय में संक्षिप्त जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, जैसे खेरवार आंदोलन। तो खेरवार आंदोलन हुआ था 1871 ईस्वी में शुरुआत। इसका नेतृत्व करता थे भागीरथ मांझी। उलगुलान मतलब होता है विद्रोह कर देना। तमार विद्रोह, तामर लिखल है ऐसे तमार होना चाहिए। तमार विद्रोह हुआ था 1789 ईस्वी में और इसका नेतृत्व करता थे दुखान मनाकी। ताना भगत आंदोलन हुआ था 1913 से 14 ईस्वी में और इसका नेतृत्व करता थे जत्रा भगत। तो इस प्रकार से हम लोग आज 30 तक के प्रश्न को देखे जो 2016 CGL JSSC का क्वेश्चन था। तो इसका आगे और हम लोग देखेंगे इसका पार्ट टू में। आप लोग ये आधार बनाकर प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।